हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवा नवरात्रि महानवमी सिद्धिदात्री पूजन विधि, मुहूर्त, भोग, मंत्र, फूल, व्रत कथा, कन्या पूजन मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रों की अष्टमी और नवमी के दिन चार बड़े शुभ योगों का निर्माण होने से ये दोनों ही तिथियां बहुत ही शुभ हैं। मां आदि शक्ति की नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती है। ये भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। नवरात्रि के नवे दिन यानी महानवमी पर देवी सिद्धिदात्री का पूजन, हवन और कन्या पूजन किया जाता है। इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं 2023 में चैत्र नवरात्रि नवमी तिथि कब है। नवमी कन्या पूजन मुहूर्त माँ सिद्धिदात्री पूजा विधि, मंत्र, भोग, व्रत कथा और इस दिन किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। देवी सिद्धिदात्री स्वरूप। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी एक रूप है, जो श्वेत वस्त्र से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। देवी सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान हैं। इनकी चार भुजाएं हैं, जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण किए हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा करता है, वह सभी सिद्धियों में निपुण हो जाता है। अब जान लेते हैं 30 मार्च नवमी को कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:41 से सुबह 5:28 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:07 से दोपहर 12:55 तक। अमृत मुहूर्त होगा रात्रि 8:18 से रात्रि 10:06 तक। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:30 से शाम 3:19 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 6:36 से 7 बजे तक। दोस्तों, महानवमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है। ऐसे में पूरा दिन कन्या पूजन के लिए अति शुभ रहेगा। आइए जान लेते हैं देवी सिद्धिदात्री पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की नवमी तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन कन्या पूजन, हवन आदि किए जाते हैं। नवमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद एक चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माँ को तिलक कर धूप दीप जलाएं और उनके प्रिय गुड़हल या चंपा के पुष्प अर्पित करें। आज माँ को अनार और नैवेद्य के रूप में खीर अर्पित करनी चाहिए। साथ ही देवी माँ को नारियल, मिष्ठान, पंचामृत और घर में बने पकवान, चने व हलवे का भोग लगाएं। इस दिन माँ की आराधना के समय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। दोस्तों, अब माँ सिद्धिदात्री के मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्री नमः का कम से कम एक माला जप करें। माँ सिद्धिदात्री व्रत कथा का पाठ कर आरती करें। इस दिन हवन और कन्या पूजन की परंपरा है, इसलिए हवन के बाद कन्या पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्याओं को भेंट दें और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उन्हें ससम्मान विदा कर दें। आइए जानते हैं नवरात्रि नवे दिन पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में नवरात्रि के 9 दिनों की बड़ी महिमा बताई गई है। नवरात्रि का हर दिन बहुत ही खास होता है। विशेषकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन की गई माँ की आराधना से माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन प्रातः स्नान के बाद विधिवत माँ की पूजा करने के बाद किसी भी देवी मंदिर में लाल पताका जरूर चढ़ाएं। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें और हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं। इस उपाय से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आइए अब जान लेते हैं महानवमी की कल्याणकारी कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली रूप है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि महिषासुर से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गए। तब वहाँ मौजूद सभी देवतागणों से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाने लगा। जय माता दी।